खूबसूरत सा नाम है इस प्रेजेंटेशन का, परिवर्तन। परिवर्तन यानी बदलाव, और ये आपसे पूछ रहा है, ये स्लाइड आपसे पूछती है कि क्या आप कोई परिवर्तन चाहते हैं, क्या आप कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। और अगर आपका जवाब यस में है तो अगला सवाल ये है कि क्या कुछ बदलने को तैयार है, खास करके क्या सोच बदलने को तैयार है। देखो दोस्तों, सोच तो बदलनी होगी, जो कर रहे हैं जैसा सोच रहे हैं वही सोच के वही करके बदलाव लाना तो इनसेन है, हम सबको पता है। पर हाँ, सोच बदलने का मतलब ये है कि जैसे मेरे पापा ने सिखाया था कि बेटा लाखों लगाए बिना लाखों नहीं है ना कमाया जा सकता, और हम सबके पेरेंट्स ने, समाज ने हमें यही सिखाया है। बट इस बिजनेस में आके सोच बदलनी पड़ती है कि बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के भी लाखों करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। हमें हमेशा से समझाया गया था बेटा कोई तुम्हें बिजनेस नहीं सिखाएगा, कोई अपना कॉम्पिटिटर क्रिएट नहीं करना चाहता, सगा चाचा भी मदद नहीं करेगा। और इस बिजनेस में आए तो अनजान लोग मदद करने को तैयार हो गए, तो बहुत विश्वास ही नहीं होता कि अच्छा कोई बिना किसी फायदे की अब कोई हमारे भी हित में कभी बात कर सकता है। पर जब वो सोच बदली तो दोस्तों फिर दुनिया बदलती चली जाती है। तो क्या आप सोच बदलने को तैयार हैं, क्या आप अपने सपनों को उड़ान देने को तैयार हैं? और अगर यस तो फिर बताइए क्या हैं आपके सपने, क्या इनमें से कोई सपना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या कोई चीज ऐसी है जिसको पाए बिना आप मरना नहीं चाहेंगे, जिसको पाए बिना आप चैन से जी नहीं पा रहे हैं? तो अगर है तो वही आपकी ताकत बनेगा। देखिए इस बिजनेस में आपका बॉस कोई नहीं होगा, कोई चीज आपको पुश नहीं करेगी। अगर कोई चीज पुश करेगा तो वो है आपके ड्रीम। तो फिर अपने आपसे पूछिए कि क्या पैसा कमाना चाहते हैं, क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, क्या किसी चीज के प्राइस टैग को देख करके पसंद आई हुई चीज को छोड़ना नहीं पड़े ऐसी जिंदगी चाहते हैं, और पैसे के साथ साथ क्या टाइम फ्रीडम भी चाहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहते हैं, क्या अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, क्या अच्छे से घर में रहना चाहते हैं, कंफर्टेबल घर बहुत जरूरी है। अभी कोरोना में मेरी दोनों, मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ को दोनों को एक एक अटेंडेंट की जरूरत पड़ी। घर में चार नौकर थे, चारों नौकर के ठहरने की जगह थी। एक कंफर्टेबल घर कि भैया आपके अपनों को, बड़ों को, छोटों को किसी तरीके की परेशानी नहीं हो, कम से कम क्या ऐसा घर आप बनाना चाहते हैं? क्या देश विदेश यात्राएं करने का शौक है, क्या थोड़े शौकीन मिजाज इंसान है, क्या बहुत सारा मान सम्मान पाना चाहते हैं, या कुछ चैरिटी करना चाहते हैं? बाकी सब छोड़ो, 200 बेड का एक फ्री हॉस्पिटल बनाना चाहते हो क्या? 500 लड़कियों का एक अनाथाश्रम बनाना चाहते हो क्या? कुछ भी है जो मैं नहीं खेली कह रही कि खाली आपके लिए आप क्या करना चाहते हो, आपके लिए इस दुनिया में आए हो तो इस दुनिया के लिए, समाज के लिए जो कुछ भी आप करना चाहते हो उसमें से अगर किसी भी एक चीज को आपने सीरियसली ले लिया ना, तो फिर आपके लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा प्रूव हो सकेगा। अगर बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन चाहते हैं, अच्छी से अच्छी उनकी शादी करना चाहते हैं, कुल मिला के क्वालिटी आइडियल अपने सपनों से भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह पर है, ये बिजनेस आपके लिए बहुत कुछ कर सकेगा। और फिर बात खाली सपनों की नहीं है, ये बताइए कि क्या महंगाई बढ़ नहीं रही है? आप ये देखिए, 1960 में 100 रुपए में घर का खर्चा चल जाता था, 1980 में 1000 रुपए में चलने लगा, 2000 में 10000 रुपए में चलने लगा, 2020 आते आते 1 लाख रुपया महीना चाहिए ठीक ठाक एक जिंदगी चलाने के लिए। हर 20 साल में ऊपर एक जीरो बढ़ जाता है, तो इस हिसाब से 2040 में 10 लाख रुपया महीना चाहिएगा। मैं आपसे पूछती हूँ क्या 2040 तक 10 लाख रुपया महीना कमाने का इंतजाम आपने कर लिया है? कर लिया है तो बधाई हो, आइए हमारे साथ मिलकर के दूसरों को मदद कीजिए। और अगर नहीं किया है तो इस प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें ताकत है 2040 से बहुत पहले पहले 10 लाख रुपए महीने का, आपके 10 लाख रुपए महीने का इंतजाम ये अपॉर्चुनिटी कर सकती है। तो आइए चलिए समझते हैं कैसे सपने पूरे होंगे, कैसे हमारी जरूरतें पूरी होंगी, कैसे हम महंगाई नाम के राक्षस को मार सकेंगे। और इन सब के लिए पहले समझते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी दोस्तों जिस प्लान पर हम काम करते हैं ना, उसको कहते हैं डिपेंडेंसी प्लान। ये 40 साल का प्लान है, बच्चा 20-21 साल का होता है, काम पे लगता है, 60-65 साल की उम्र तक काम करता है। जब तक काम करता है पैसा आता है, काम करना बंद कर देते हैं तो पैसा आना या तो लगभग बंद हो जाता है, या कुछ पेंशन छोटी मोटी आती रहती है जो किसी भी हाल में महंगाई को बीट नहीं कर पाती है। और भगवान न करे 60-65 साल के होने से पहले अगर किसी कारण से काम करना बंद कर देना पड़े, या कोई कोरोना आ जाए, या कोई कुछ भी हायरिंग फायरिंग हो जाए, और अगर बीच में आपका किसी कारण से काम करना बंद हो जाए, तो भैया इनकम बंद हो जाती है। ऐसा ही है हमारे देश का ढांचा। और मैं खाली नौकरी पेशा लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप बिजनेस में हैं और अच्छे से अच्छा आपका शोरूम है, पर अगर जैसे जैसे 60-65 साल के हो गए, हाथ कांपने लगे, मेमोरी थोड़ी वीक होने लगी, तो क्या करोगे? बच्चों को पावर ऑफ अटॉर्नी दोगे और घर में बैठोगे, और फिर अपनी छोटी मोटी जरूरत के लिए उन्हीं लोगों पर डिपेंड करोगे? मतलब हम जिंदगी भर जिन बच्चों को देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हर हाल में आंखें पे आकर के उन्हीं बच्चों के सामने अपने को चीजें लेने के लिए हाथ रखना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हमारे बच्चे अच्छे नहीं है, पर देश का जो आर्थिक ढांचा है, क्या वो हमें आखिरी सांस तक खुश रख पाता है? नहीं रख पाता। तो आइए चलिए समझते हैं कि किस प्लान के थ्रू ये किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लान की जो आजादी प्लान है, 2 से 5 साल का प्लान है, 40 साल का प्लान नहीं है, पैसिव इनकम प्लान है। हालांकि मैं एक चेतावनी पहले ही दे दूं, शुरू शुरू में तो जैसे जब बड़ी बिल्डिंग बन रही होती है तो नींव खुद रही होती है, तो बिल्डिंगें खड़ी होते ही नहीं दिखता ना। इस बिजनेस का भी ऐसे ही होता है कि एफर्ट्स ज्यादा लग रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे, वो नींव खुद रही होती है, वो हमें समझ में ही नहीं आती है। शुरू में ऐसा होता है, पर बहुत जल्दी ऐसा हो जाता है कि भैया आपके धीमे धीमे अगर आप एफर्ट्स कम भी करते चले जाते हो तो भी आपकी इनकम बननी होती है। पैसिव इनकम यहाँ पे मिलती है, रॉयल्टी इनकम यहाँ पे मिलती है। अब आप कहेंगे भैया ये कौन कमाता है,
या राइटर्स कमाते हैं, बुक लिखते हैं तब कुछ नहीं कमा रहे होते हैं, पर जैसे ही बुक छप करके बिकने लगती है तो जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी रॉयल्टी आती है। वही सिंगर्स का होता है, वही ऑथर्स का होता है, वही डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर्स का होता है। पर क्या आप कहोगे सुरेखा मैम हम में से कितने लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, तो क्या फिर हमें तो रॉयल्टी नहीं मिल सकती? अगर नहीं मिल सकती होती तो मैंने बात ही नहीं उठाई होती। मिल सकती है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक आम व्यक्ति को, जिसकी भले ही कोई फेस वैल्यू आज की तारीख में है या नहीं है, जिसमें कोई खास टैलेंट है या नहीं है, पर वो डेफिनेटली रॉयल्टी इनकम कमा सकता है। और यही ताकत है हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। क्या है डायरेक्ट सेलिंग, आइए उसको समझने के लिए फिर से पहले ट्रेडिशनल बिजनेस को समझते हैं। एक बात समझिए, हम सब कंज्यूमर होते हैं, हम सुबह उठते हैं, हमें शैम्पू चाहिए, हमें पेस्ट चाहिए, हमें ब्रश चाहिए, हमें चाय चाहिए, हमें कॉफी चाहिए, हमें घी चाहिए, तेल चाहिए, मसाले चाहिए, घर कपड़े धोने का साबुन चाहिए, बर्तन मांजने का साबुन चाहिए, न जाने सैकड़ों आइटम है जो हम आसपास की दुकानों से लेकर के आते हैं। अब वो दुकानदार वो बनाता तो नहीं है, वो होलसेलर से लाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से लेकर के आते हैं, यानी हमारे और कंपनी के बीच में बहुत सारे मिडिलमैन होते हैं। और हमें इन प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे चलता है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अब ये सब लोग फ्री में तो काम नहीं करते, इनका अपना मार्जिन होता है। तो 35 रुपए का सामान जो कंपनी से निकलता है हम तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। इस सारे केस में हम सिर्फ देने वाले होते हैं, हमारी जेब से पैसा जाता है, दूसरों की जेब में पैसा आता है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, एक हम होते हैं यानी आप और हम में से कोई भी एक आम व्यक्ति होता है, एक मैन्युफैक्चरर या एक मार्केटिंग कंपनी होती है, बीच के सारे मिडिलमैन और मीडिया को हटा दिया जाता है, और जो वो बीच का इतना 65% के करीब पैसा सेव किया जाता है, जिस सिस्टम से वो पैसा पैसा कमाने की इच्छा रखने वालों की जेब में पहुंचता है, उस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। तो आइए चलिए नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट समझते हैं। पहली बात, जीरो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है कि कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, कोई ऑफिस नहीं खोलना, कुछ नहीं करना, घर से होता है तो कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में नहीं है। अब आप ये नहीं कहोगे कि जीरो इन्वेस्टमेंट मींस नहीं जी मैं तो एक फोन कॉल भी नहीं करूंगा उसमें मेरा तो कुछ पैसा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ फोन कॉल्स, कुछ ट्रेनिंग अटेंड करना है, छोटे मोटे खर्चे तो होते हैं, पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में आपका कोई नहीं होता है। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है। अब आप कहोगे जी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं मतलब कि छोटा मोटा बिजनेस होगा, ना जी, अनलिमिटेड इनकम है, आप जितना कमाना चाहते हो उतना कमा सकते हो, ऐसा ही ये बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, पूरी पूरा परिवार मिलकर के करता है। कब में कब आपके घर के वो लोग जो कि आपको लग रहा होता है किसी काम के नहीं है या ये तो भैया सिर्फ यही कर सकते हैं, वो कब में कब उनके अंदर का पोटेंशियल जाग करके आता है। बच्चे बच्चे हमारा साथ दे देते हैं, और फैमिली बिजनेस ये खूब खूबसूरत फैमिली बिजनेस एक बार करके देखने से ही पता चलता है कि इसकी खूबसूरती क्या है। ट्रांसफरेबल बिजनेस है दोस्तों, आप अच्छे से अच्छी अगर किसी जॉब में मतलब किसी कंपनी में सीईओ भी हो ना, आपके रिटायरमेंट के वक्त अपने बेटा बेटी को नहीं देख करके जा सकते, या आपका बड़े से बड़ा शोरूम है और अगर आपके बच्चे में का इंटरेस्ट नहीं है वो तो जाकर के है ना एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है तो उस बिजनेस को बंद करना पड़ता है। हमारा बिजनेस ऐसा है कि एक बार आप बिजनेस को बिल्ड करोगे उसके बाद ये ट्रांसफरेबल बिजनेस है, आपकी नेक्स्ट 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 जनरेशन को ट्रांसफर होता जाता है। वो अगर इंटरेस्ट लेंगे तो और बड़ा करेंगे, अगर इंटरेस्टेड नहीं भी है तो भी जो आपने बनाया है वो पैसे इनकम उन लोगों को लगातार आती रहती है। एक बहुत ग्रेट वर्च्यू इस बिजनेस का है, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, इस बिजनेस को करते करते ही व्यक्ति सीखता चला जाता है, इतना सिंपल है, पैसे इनकम है। मैं अगर आज की तारीख में स्विट्जरलैंड जाके सेटल हो जाऊं, लाइफ लॉन्ग इंडिया लौट करके नहीं आऊं ना, तो भी इनकम बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली। ये इस बिजनेस की ताकत है, पैसिव इनकम। और मैं बताऊं, चलो करोड़ों रुपया तो बहुत बड़ी बात है, अगर लाख रुपया महीना भी आने लगता है ना, परमानेंट इनकम उतना सुकून देता है कि कुछ और हो या नहीं हो, लाख रुपया तो आएगा ही आएगा, ये तो ना ये सुकून तो पाकर के देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है, हम आपको आपका जॉब छोड़ने को नहीं कह रहे, बिजनेस छोड़ने को नहीं कह रहे, जो कर रहे हो वही करने के साथ साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस को किया जाता है और सफलता पाई जाती है, ये बहुत खूबसूरत बात है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मोदी केयर की, जो की फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 1996 में श्री समीर मोदी जी ने सोचा कि क्यों नहीं हिंदुस्तानियों के सपनों को उनकी ताकत बनाया जाए और घर घर आजादी पहुंचाई जाए। और ये सोच दोस्तों बाई चांस आई, बड़ी खानदानी सोच है ये। उनके दादाजी श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने भी सिर्फ 400 रुपए से बिजनेस शुरू किया था, और 1933 से 1972 तक आते आते 27 अलग अलग इंडस्ट्रीज में बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट किए, और अपने देश के प्रति इसी आर्थिक योगदान के कारण उन्हें 1968 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। समीर मोदी जी के फादर श्री के मोदी जी लिमिटलेस बिल्कुल विजनरी निकले, एक्सीलेंट फोरसाइटेड पर्सन निकले, उन्होंने इस बिजनेस को 90 देशों तक फैलाया, आज 30,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को पता है कि 400 रुपए से क्या नहीं किया जा सकता, और 400 रुपया तो भैया हर हिंदुस्तानी के पास होता है, सपना तो हर हिंदुस्तानी के पास होता है। और जब इसी सोच के साथ श्री समीर मोदी जी निकले नेशन बिल्ड करने, तो वो बनी है अपॉर्चुनिटी, जो कि आज मिलियंस ऑफ कंसल्टेंट्स की आजीविका का जरिया बनी है। हम IDSA के मेंबर है, मेंबर का मतलब है जैसे इंश्योरेंस को IRDA देखता है, बैंकों को RBI देखता है, उसी तरह इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए एक नॉन गवर्निंग बॉडी IDSA बनाई गई है, जो कि
लोगों के हितों का ध्यान रखती है। और हम फाउंडिंग मेंबर हैं आईडीएसए के, जो एक बहुत गर्व की बात है, बड़ी रिवॉर्डिंग एंड अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं अभी समझाने वाली हूँ। बहुत सारे अवार्ड से हमें सम्मानित किया गया है और हमारे प्रोडक्ट GMP सर्टिफाइड है। तो हर तरीके से जिसको कहो ना, चारों तरफ से एक सुरक्षा कवच आपके लिए लगा दिया गया है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खोल दी गई है। जब प्रोडक्ट की बात आई है तो आइए बता देते हैं, लगभग 750 से ज्यादा SKUs है हमारे पास। हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस भी प्रोडक्ट है, तो कलर कॉस्मेटिक भी है, तो स्किन केयर भी है, तो फूड एंड बेवरेजेस भी है, पर्सनल केयर भी है, लॉन्ड्री केयर भी है, होम केयर भी है, एग्रीकल्चर भी है, ऑटो केयर भी है, ज्वेलरी है, तो मोबाइल प्रोटेक्शन ऐप भी है, तो घड़ियां भी है, तो अगरबत्तियां भी है, तो मास्क भी है, तो सैनिटाइजर भी है। हर वो चीज जो चाहिए होती है ना, वो कंपनी लॉन्च करती है। यानी कि कुल मिला के लगभग समझ लीजिए 4000 प्रोडक्ट पर काम हो रहा है। और साफ साफ कहते हैं समीर मोदी जी, सवेरे से लेकर रात तक के प्रोडक्ट नहीं दूंगा, सवेरे से लेकर के सवेरे तक के प्रोडक्ट दूंगा। हर वो चीज जो आपके घर में काम में आती है, वो या तो आज मोदी केयर में आ चुकी है या आने वाली है, और ये हमारी बहुत बड़ी ताकत बनती है। आइए, जिस तरीके से पैसा बांटा जाता है, हम आपको बता दें कि उसका नाम है समीर मोदी ग्लोबल प्लान। दोस्तों, समीर मोदी ग्लोबल प्लान की अगर खासियतों के बारे में बताऊं तो मतलब तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए। ये एक ऐसा प्लान है जो किसी भी व्यक्ति को, कहते हैं ना, फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचा सकता है। जीरो से शुरुआत करा के किसी भी लेवल की सक्सेस पे आपको लेकर के जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट्स अनलिमिटेड हैं। 12 तरीके की लाइफ लॉन्ग इनकम है। आइए वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले आता है रिटेल प्रॉफिट। अब आप ये देखिए, प्रोडक्ट्स हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जिन पर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी का मतलब ये है कि आप उन प्रोडक्ट को 25% तक यूज कर सकते हैं। विद इन 30 डेज अगर किसी कारण से यूज किए हुए भी प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, आप उनको किसी भी MSC पर रिटर्न करते हैं, आपको 100% मनी बैक मिल जाता है। और ऐसे प्रोडक्ट जब आप घर में काम में लेते हैं, रोजमर्रा में यूज में आने वाले प्रोडक्ट, आप सिर्फ अपनी दुकान बदलते हैं एक बार ज्वाइन करने के बाद इस बिजनेस को, अपने नंबर पे जब खरीदते हैं तो आपको MRP पे नहीं मिलता है। MRP की जगह वो प्रोडक्ट आपको CP प्राइस पर मिलता है, कंसल्टेंट प्राइस पर मिलता है, और जो बीच का डिफरेंस होता है वो लगभग अप टू 20% है। तो ये अगर आप घर में काम में लेते हो, बचत हो जाती है। इन्हीं प्रोडक्ट्स को अगर आप शेयर करते हो तो वो 20% तक का जो है वो आपके लिए रिटेल प्रॉफिट हो जाता है। दूसरी बात आती है कि जो हमारा लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम है वो बहुत खूबसूरत है। आइए समझते हैं कैसे कंपनी आपको लॉयल रहने के लिए, मोदी केयर के प्रोडक्ट को पसंद करने के लिए अवार्ड देती है, रिवॉर्ड देती है। वो ऐसा ये है कि अगर आप 30 PV करते हैं, 30 PV का मतलब हमारे यहाँ 1 PV लगभग 27 रुपए का होता है, यानी 810 BV। 810 BV का मतलब हो गया ऑन एन एवरेज अगर 50% माने तो 1600 रुपए का सामान। अगर आप मोदी केयर से 1600 रुपए का सामान, जो कि आप वैसे भी दुकान से खरीदते ही हैं, तो ये यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आप दुकानों से नहीं खरीदते, अगर मोदी केयर से सामान खरीदते हैं, आपको 200 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। अगर 60 PV यानी 1620 यानी 3000+ रुपए का सामान अगर खरीदते हैं, 3200-3400 रुपए का, तो 600 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। अगर आप 90 PV करते हैं तो 900 का, अगर आप 120 PV करते हैं तो 1200 रुपए का आपको गिफ्ट वाउचर मिल जाता है, जो अगले महीने सिर्फ 810 BV यानी 1600 रुपए की सामान परचेस करने पर आप भले 1200 रुपए का गिफ्ट वाउचर एनकैश कर सकते हैं। तो आपने इस महीने सामान खरीदा, आपको गिफ्ट वाउचर मिला, अगले महीने आपने सिर्फ 30 PV किया, आपको फिर गिफ्ट वाउचर, वो आपका पहले वाला गिफ्ट वाउचर रिडीम हो गया और फिर आपको गिफ्ट वाउचर मिल गया, तो जिंदगी भर आपको किसी सेल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी बुध बाजार, किसी बिग बाजार के का जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कंपनी से सामान लेंगे और आपको लाइफ लॉन्ग जो है ये, क्योंकि आप लगातार निरंतरता बनाए हुए हैं, आपको बस ये है कि जो गिफ्ट कूपन होता है, वाउचर होता है, वो 20 अगले महीने की 28 तारीख से पहले पहले आपको रिडीम करना होता है, और एंड दैट्स इट। ये आपकी कंपनी आपको सेल्फ यूज के लिए इतना सारा रिवॉर्ड देती है, इसी को हम लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम कहते हैं। फिर बात आती है कि जब आप परचेस करते हैं, जब आप सामान परचेस करते हैं, तो आपको एक न्यू ज्वाइनी या रीपर्चेस प्रोग्राम मिलता है। जैसे कि अगर आप न्यू ज्वाइनी है, यानी आप अप्रैल महीने में ज्वाइन कर रहे हैं, आपने इसी महीने में सामान खरीदा, तो आपको पूरे 30 दिन मौका मिलता है कि 1000 की, 2000 की, 3000 की या 5000 की जब आप परचेस करते हैं, तो 100, 200, 300 या 500 रुपए का प्रोडक्ट सिर्फ 1 रुपए में मिल जाता है। तो ये अगेन 10-12% की बचत जो है वो यहाँ पे और हो जाती है। तो पहले 20% तक का आपको रिटेल मार्जिन मिल गया था, फिर आपको लॉयल्टी प्रोग्राम में जो है बहुत अच्छे 1200 रुपए तक के बेनिफिट्स वहां मिल गए थे, और अब यहाँ आपको 500 रुपए तक के प्रोडक्ट फ्री मिल जाने के कारण, और ये पूरी जो सारी स्लैब है ये आप 2 बार एंजॉय कर सकते हैं, एक महीने
महीने में, तो कुल मिलाकर के आपको 500, 800, 1000 और 2000 रुपए के बेनिफिट जो है वो आप यहाँ पे रीपर्चेस प्रोग्राम के अंदर पा सकते हैं। इट्स सो अमेजिंग फ्रेंड, सिर्फ सेल्फ यूज करने पर इतने सारे बेनिफिट है। अभी तो हम 12 तरीके की इनकम है, मैं अभी सिर्फ पहली इनकम पे हूँ और देखिए कितना मैजिकल ये हो रहा है। आइए दूसरी तरीके की इनकम की बात करते हैं। इस इनकम का नाम है समीर मोदी सुपर बोनस। ये कंपनी के बीवी टर्नओवर का 3% जो होता है वो सिर्फ मोदी केयर के प्रोडक्ट को पसंद करने वालों में बांट दिया जाता है। अगर आप मोदी केयर के इतने 700-750 प्रोडक्ट में से कुछ थोड़े बहुत प्रोडक्ट 60 PV का क्या मतलब हुआ, 60 PV को 27 से गुणा कर दीजिए, बस उतना सा प्रोडक्ट अगर आप काम में लेते हैं मोदी केयर का, तो आपको कंपनी के 3% बीवी पूल में भागीदारी मिल जाती है। और आप अगर 5% या 8% या आगे जाके मैं समझाने वाली हूँ कि क्या है, अगर 5% या 8% पर आप हैं मोदी केयर के, तो आपको 3% के बीवी पूल में हिस्सेदारी मिलती है, जो लगभग पर पर्सन 250 रुपए के करीब हो जाती है। तो आपने 60 PV किया और आपको 250 रुपए और मिल गए, पहले बेनिफिट जो मिल रहे थे वो मिल ही रहे थे, और ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको 60 PV करने के कारण। यानी अब हमारे को एक बात समझनी है, अगर पैसा कमाना है तो भैया 60 PV बिल्कुल मैजिकल नंबर है, 60 PV वो हमें करना है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ दुकानदारों को पैसे वाला बनाते जाएं, हम चाहते हैं कि पैसा वो जो वहां 65% के करीब वहां बढ़ता है वो पलट करके आप लोगों की हमारी जेब में आने लगे। तो हमें भैया 60 PV तो करना ही है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, ये माइंडसेट हमको करना होता है। यानी कि हम आपसे कह रहे हैं स्मार्ट कंज्यूमर बनो, एक स्मार्ट यूजर बनो। आप जब 60 PV करते हो परचेज तो क्या क्या बेनिफिट हो जाते हैं, 20% तक का सेविंग या रिटेल प्रॉफिट हो जाता है, रीपर्चेज प्रोग्राम में आपको लगभग 2000 रुपए के बेनिफिट आपको वहां हो जाते हैं, लॉयल्टी रिवॉर्ड में आपको 1200 रुपए तक के वाउचर मिल सकते हैं, 60 PV क्लब एक और बहुत खूबसूरत चीज है। अगर आप 1 तारीख से 10 तारीख तक के अंदर अंदर अपना 60 PV करते हैं, अलग अलग बिल भी बना सकते हैं, मल्टीपल बिल, पर अगर 1 तारीख से 60 तारीख तक के बीच में आपने अपनी बिलिंग करी तो 3 लकी ड्रॉ कूपन और मिल जाते हैं, या 11 तारीख से 20 तारीख को करोगे तो वही 60 PV पे 2 कूपन मिलेंगे। पर हाँ, कूपन मिलते हैं और हम तो सबके सब जुटे पड़े हैं, हम एक हर व्यक्ति जो है वो 10 तारीख से पहले पहले 60 PV करने वाला है, लकी ड्रॉ निकलेगा, 2000 लोगों को 2000 रुपए तक के मोदी केयर के प्रोडक्ट फ्री मिलने वाले हैं, विनर बनने। और वैसे भी ना लकी ड्रॉ वकी ड्रॉ में जीतने में मजा बड़ा आता है, और नहीं उस पर कोशिश भी नहीं करी ना तो वो दिल में कुड़कुड़ कुड़कुड़ होती रहती है कि अरे भैया आई एम नॉट डन माय बेस्ट, शायद मेरी लॉटरी निकल जाती। तो दोस्तों ये जो लकी ड्रॉज होते हैं इसमें मैं जरूर से पार्टिसिपेट करना पसंद करती हूँ। आप भी 10 तारीख से पहले पहले 3 टिकट लीजिए और जब आपकी लॉटरी निकले तो प्लीज एक कॉल मुझे कीजिएगा कि हाँ भैया ये वर्क करता है, ये सिस्टम डेफिनेटली वर्क करता है। और साथ में मिलता है परफॉर्मेंस बोनस, जो मैं अब आपको समझाने वाली हूँ। आइए समझते हैं हमारा तीसरा बोनस परफॉर्मेंस बोनस क्या है। दोस्तों ये आपको पहला, ये आजादी की तरफ समझ लीजिए पहला बीज है। अभी तक तो चलो हम एज ए यूजर पैसा कमा रहे थे और खुश हो रहे थे, अब अगर आप कहते हो कि नहीं मैं एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता हूं, तो ये बोनस आपके लिए बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो आपको सफलता दिला सकता है। आइए इस लैब को समझते हैं। अगर आप 60 PV से कम किया है आपने और आपकी टीम ने मिलकर के, आप दो टर्म यहाँ पे समझेंगे, GPV जो होता है वो पूरी पर्सनल PV आपकी पर्सनल सेल होती है, GPV आपके पूरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं। आप कहोगे ग्रुप कहाँ से आ गया, आप दिल्ली बैठे हो, आप अपने चाचा को कॉल कर सकते हो, चाचा एक जूम मीटिंग अटेंड करो, या लोकल वहां पे कलकत्ता में मीटिंग हो रही है, चाचा वो जाके मीटिंग अटेंड करो, बड़ा अच्छा बिजनेस है, पैसा लगता नहीं, बहुत सारा पैसा कमाया जाता है, और चलो जी यूरोप की ट्रिप का मौका मिल रहा है, चाचा चलते हैं। आपने चाचा को बोला मैं अभी समझाऊंगी आगे कैसे यूरोप की ट्रिप पर आप जा सकते हो, बट गुड न्यूज है कि चाचा के भी तो सपने, चाचा ने कलकत्ता में ज्वाइन किया, नासिक में उन्होंने अपने साले को ज्वाइन कराया, साले ने पोर्ट ब्लेयर में अपनी सिस्टर को ज्वाइन कराया, सिस्टर ने फरीदाबाद में अपनी फ्रेंड को ज्वाइन कराया, ये सब आपका ग्रुप कहलाता है। और इन सबकी परचेस मिला करके अगर आपने 60 PV कर लिया, यानी 1620 PV, यानी कि लगभग 3200 रुपए का सामान सब लोगों ने मिला करके कर लिया, आप 60 PV प्लस हो गए तो आप 5% की स्लैब पे आ जाते हो। अगर आपने 8100 BV यानी लगभग 16000 रुपए का सामान पूरी टीम ने मिलकर के कर लिया तो आप 8% की स्लैब पे आ जाते हो, 16200 यानी लगभग 32000 रुपए का सामान टीम ने मिला के कर लिया तो 10% की स्लैब पे आ जाते हो, और अगर पूरी टीम ने मिला करके 32400 BV यानी कि लगभग 65000 रुपए का सामान कर लिया तो आप डायरेक्टर बन जाते हो। अब ये देखो कितनी खूबसूरत चीज है, अगर आप खाली 4 लोगों को भी लेकर के आते हो, 4 लोग 60 PV करते हैं, वो भी सिर्फ 4 ही लोगों को लाते हैं, हम ये कहते हैं कि मुर्दा भी ढूंढ लेता है अर्थी को कंधा देने के लिए 4 लोग, तो हम जिंदा लोग, सपने देखने वाले लोग, जिंदगी में कुछ करने की चाहत रखने वाले लोग, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 4 लोग नहीं मिले, खास करके तब जब हम दे क्या रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं, जिसको लेने वालों की डेफिनेटली कमी नहीं है, हमें सिर्फ वो बात कैसे समझाई जानी है वो समझना है, या लोगों को किसी समझाने वाले के सही समझाने वाले के सामने ला करके बैठाना है। अब दोस्तों देखो मैजिक कैसे होता है, आप जब इस
परसेंटेज स्लैब में आगे बढ़ रहे हो, अगर आप 8% पे हो, आप 10% पे हो, आप 11% पर हो, जो भी परचेज आप करोगे, जितना पर्सनल बीवी आप करोगे उसका तो 11% आपको मिल जाएगा। और अगर आपके चाचा मान लीजिए वो है 5% पर और आप 11% पर, तो 5% तो चाचा लेकर के जाएंगे, 11 में से 5, 6% जो है वो डिफरेंशियल बोनस, परफॉर्मेंस बोनस के रूप में आपकी पॉकेट में आ जाएगा। ये बहुत हमारा बहुत छोटा सा बोनस है, बट इतना इंपॉर्टेंट बोनस है, क्योंकि पैसा कमाया जा सकता है लाखों करोड़ों लगाए बिना। ये विश्वास जो है वो यहाँ से आना शुरू होता है। और 21 लोग आपकी टीम में हो, 60-60 पीवी कर रहे हो, तो भैया 32,400 पीवी हो जाता है, 1200 पीवी हो जाता है, 1260 पीवी बल्कि हो जाता है। तो माइंड सेट कीजिए कि हाँ भैया मैं इस बिजनेस में आऊँ, मैं कुछ लोगों को बताऊंगा, मैं कुछ लोगों की मदद करूंगा, उन लोगों को भी कुछ लोगों की मदद करने में मदद करूंगा। और भैया जैसे 21 लोग भी टीम में आए, आप डायरेक्टर हो गए। और जब आप डायरेक्टर हो जाते हो तो गुड न्यूज आगे शुरू होती है कि खाली आप ही तो डायरेक्टर नहीं बनोगे, आप एक डायरेक्टर बने, आपकी बहुत सारी इनकम होती है जो अभी मैं बताने वाली हूँ। पर गुड न्यूज ये है कि आपके चाचा भी तो पीछे नहीं रहेंगे, वो भी डायरेक्टर बनेंगे। जैसे ही आप एक डायरेक्टर बनाते हो और साइड का सिर्फ 900 पीवी करते हो, आप सीनियर डायरेक्टर, सीनियर हो जाते हो, सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो। दो डायरेक्टर लेग आपने बना दी तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकते हो, तीन डायरेक्टर लेग आपने बना दी तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकते हो, चार डायरेक्टर लेग आपने बना ली तो प्लेटिनम डायरेक्टर हो सकते हो। छह लोग अगर 1200 पीवी करने वाले चार लोग बना लिए, यानी 65,000 का बिजनेस करने वाले चार लोग बना लिए, तो आप प्लेटिनम डायरेक्टर हो गए। और अगर छह लोग बना लिए तो डायमंड डायरेक्टर हो गए। और ये नहीं कहा जाता जी हफ्ते भर में बनाने, महीने भर में बनाने, या छह महीने में बनाने, या साल में बनाने। बॉस कौन है? बॉस आप हो। पर मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो लोग दिल लगा करके काम करते हैं, महीने महीने भर में डायरेक्टर बन जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप भी पहले ही महीने डायरेक्टर बनने का अपना फैसला कर सकते हो। और अगर आपने इस मैसेज को ऊपर कायनात तक पहुंचा दिया तो सारी कायनात जुट जाएगी आपके इस सपने को पूरा करने में। और जैसे एक डायरेक्टर आप खुद बनते हो तो आपको पता है कि भाई अगर मैं बन सकता हूं तो दूसरे भी लोग बन सकते हैं। वो विश्वास फिर काम करता है। छह डायरेक्टर बनने पर आप डायमंड डायरेक्टर हो जाते हो। फिर उन्हीं छह लेग आपकी है, उसमें से लोग भी तो तरक्की करेंगे। तीन लोग अगर डायरेक्टर रह गए, पर तीन लोग ऐसे निकले जिन्होंने तीन लोगों को डायरेक्टर बना दिया, तो आप अगले लेवल पे चले जाते हो, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हो जाते हो। और यही छह लोगों को आप डीप 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 मदद करते चले जाते हो, आपका लेवल बढ़ता चला जाता है और लाखों 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 रुपया आप कमा पाते हो। अब पैसा कैसे कमाते हो, आइए इस पे बात करते हैं। जैसे ही आप डायरेक्टर बने थे, यानी आपने खुद ने 1200 पीजीपी भी किया था, 32,400 बीवी यानी लगभग 65,000 रुपए का टीम का परचेज, तो आपको 16% के बीवी पूल में हिस्सेदारी मिल जाती है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो बड़ी बड़ी दुकानें बाहर चलती है ना, 2-2, 3-3, 4-4% के मार्जिन पे चलती हैं। आप यहाँ देखिए 16% का बीवी पूल आपके लिए खुल जाता है और आपको ऑल डायमंड और डायरेक्टर से नंबर में ये पैसा बढ़ता है। आपके डायरेक्टर पॉइंट्स एक टेबल के थ्रू जो है वो डिसाइड होते हैं और पूरी 9 जनरेशन तक आप ही के डायरेक्टर का पैसा नहीं मिलेगा। आपके नीचे जो डायरेक्टर है, उसके नीचे जो डायरेक्टर है, उसके नीचे जो डायरेक्टर है, उनके नीचे जो डायरेक्टर है, उनके नीचे जो डायरेक्टर, ऐसे 9 जनरेशन तक के डायरेक्टर से आपको जो है पैसा आता है। तो ये बहुत पैसा बढ़ता ही चला जाता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो। और जब आप डायरेक्टर बनते हो, आपको 3% का बीवी पूल मिलता है बाइक बोनस के रूप में। बाइक, आज आप सिंपल सी लेडी हो, आपका भाई आपको कहीं छोड़ने जा रहा है, आपके फादर आपको छोड़ने जा रहे हैं, आपके हस्बैंड आपको छोड़ने जा रहे हैं, बोल करके देखो कि मैं आपको 6 महीने में या साल भर में मैं आपको आपके अगली बर्थडे पर मोदी केयर से बाइक दिलाने वाली हूँ। देखो उनका सपोर्ट बढ़ेगा ना। या आप सोच करके देखो, आप अपने लिए स्कूटी खरीदने वाले हो, या अगर आप मेल हो और आप अपनी बाइक अपग्रेड करने जा रहे हो, या वाइफ को स्कूटी दिलाने वाले हो, या बहन को राखी पर क्यों जरूरी है कि आप एक छोटा सा मोबाइल दो या उसको एक सूट दिलाओ, अगर इस बार आप उसको कोई एक स्कूटी दिला दो तो क्या मैजिक हो सकता है। आप जो बिजनेस कर रहे हो करो, जो जॉब कर रहे हो करो, पर पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करके अपने किसी अपने को अगर बाइक या स्कूटी आप दिलाओगे, वो खुशी की कोई कीमत लगा सकते हो। सिर्फ डायरेक्टर बन के 65,000 रुपए का बिजनेस जो मार्केट में जा ही रहा है, किसी न किसी दुकानदार को वो बिजनेस मिल रहा है, वो बिजनेस अगर आप ले आए मोदी केयर में, तो आप बन गए ना बड़े बिजनेसमैन, बिना किसी दुकान फैक्ट्री के, बिना किसी गोडाउन को बनाए, और बाइक बोनस आपको मिलने लगता है। तो आपको ये समझना है कि क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आप एक बिजनेसमैन में अपने आप को कन्वर्ट होता हुआ देखना चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर बात आती है, हम सबको घूमने फिरने का शौक होता है। जैसे ही आप डायरेक्टर बनते हो, यानी लगभग 65,000 रुपए का सामान टीम में परचेज होता है, आप 4% के नेशनल ट्रेवल फंड में आ जाते हो। घूमने फिरने का मौका मिल जाता है आपको। हर महीने जितने भी आपके डायरेक्टर पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, इस कैलकुलेशन सब कंपनी के कंप्यूटर करते हैं। हमें तो आज तक इनकी क्लैरिटी, मतलब हमें समझने की जरूरत नहीं है, हमें पता है पैसा कैसे आता है, पर ये कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं होती है। पर जैसे ही आप डायरेक्टर बनते हो, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को नेशनल ट्रेवल फंड, आपको पता है अभी गोवा दिया था, 20,000 लोग क्वालिफाई किए थे, और उन 20,000 लोगों में से लगभग 17,000 लोग ऐसे हैं जो आज तक गोवा गए नहीं।
गोवा सबका सपना है, पर होता क्या है, वहां पे एयरपोर्ट पे उतरो तो टैक्सी लेना मुश्किल होता है, वहां पे जो यूनियन बाजी चलती है, जो अकेले जाना, फिर वहां पे क्या खाओ क्या नहीं खाओ, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसी होटल से टैक्सी लेनी होती है, बाहर ऐसे ऑटो नहीं मिलते कि हाथ देकर के ऑटो रोक लो, तो बंदा घबरा जाता है कि अरे नहीं, यहाँ पे आप कंपनी के साथ जाते हो, कंपनी आलिशान होटल में ठहराती है, खिलाती है पिलाती है, आप भैया घूम करके आ सकते हो। तो अभी भी जो ट्रिप आई है, इस साल की ट्रिप जो आई है वो गोवा की ही आई है, आप सब लोग सिर्फ डायरेक्टर बनकर के गोवा के लिए क्वालिफाई करने लग सकते हो, और हम सब एक साथ गोवा घूम करके आएंगे। अगर आपका गोवा या कहीं भी, आज गोवा चल रहे हैं, अगले साल कहीं और चलेंगे, हर साल ही कहीं ना कहीं चलेंगे। हिंदुस्तान से खूबसूरत वैसे भी कोई जगह नहीं है, पर हमने घूमी नहीं होती है, यहाँ सब कुछ फ्री में मिल रहा है नेशनल ट्रेवल फंड के थ्रू। तो भैया हर साल फैसला कर लो, हर साल एक अच्छी जगह जहाँ मोदी के लेकर के जाएगा, भैया हम घूमने के लिए जाएंगे। देन कम्स की जैसे ही आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाते हो, यानी 3 लेग आप अपनी डेवलप करते हो, 300 PGPV साइड में करते हो, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हो, वर्ल्ड ट्रेवल फंड शुरू हो जाता है। क्या हमारा देश विदेश घूमने का सपना नहीं है? पर बिलीव मी, फिर भी आज की तारीख में बहुत महंगा नहीं है, चले तो जाते हैं, पर जब वो पानी की बोतल भी वो डॉलर में खरीदनी पड़ती है, दिरहम में खरीदनी पड़ती है ना, बड़ा महंगा पड़ता है। अगर इंडियन रेस्टोरेंट में किसी दिन, एक दिन तो हमने वहां का ड्रम शट्रम खा लेते हैं, अगले दिन जैसे ही हमें या घर से लेकर के गए होते हैं पूरी दूध की पूरी बना के वो खा लेते हैं, अगले दिन अपना हिंदुस्तानी खाना याद आने लगता है, और किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओ वो सचमुच बहुत महंगा पड़ता है। पर जब ये सब काम कंपनी कर रही होगी, जी पासपोर्ट आपको बनाना है, वीजा भी कंपनी बना करके देगी, बारातियों की तरह एयरपोर्ट पहुंच जाओ, वो आपको पीली माला पहनाते हैं और गिफ्ट विफ्ट देके आपकी फोटो वोटो खींच करके आपको एयरपोर्ट में अंदर भेज देते हैं, फिर बारातियों की तरह आपका वहां पे स्वागत होता है, और जो आपको ऐश कराई जाती है, अगर आप वो सब सचमुच जिंदगी में चाहते हो तो जी क्या करना है, 3 लोगों को डायरेक्टर बनने में मदद करनी है, यानी आपके नीचे 3 लोग जो हैं वो डायरेक्टर, वो 65,000 65,000 65,000 का बिजनेस करें, 1 लाख 1.5 लाख BV, 1 लाख 1.25 लाख BV, यानी कि 2 लाख 2.25 लाख रुपए का प्रोडक्ट कुल मिला के आपकी टीम ने परचेस किया, और आप विदेश यात्रा का सपना अपना पूरा कर सकते हो। तो ऐसे कौन से हमने हाथों में मेहंदी लगा रखी है कि हम अपने सारे के सारे सपनों को, जैसे वो मुर्गी होती है अंडे को सेकती है ना, ऐसे हम बैठ करके अपने सपनों को सेकते रहते हैं, उन सपनों के लिए कुछ करते नहीं है। अब जब ये सब इतना आसान है तो करना तो डेफिनेटली बनता ही है दोस्तों। फिर बात आती है कार फंड, कार हम सबका सपना है, अच्छा नहीं लगता, थोड़ी सी भी बारिश होती है ना हम किसी ना किसी पुल के नीचे खड़े हो जाते हैं साइड में, फिर कोई गाड़ी वाली जाती है तो उसको गाली देते हैं। अरे गाली तो हमें खुद को अपने आप को देनी चाहिए ना, कि जब दुनिया में इतने लोग कार चलाते हैं तो वो कोई अनोखे तो है नहीं, उनको कोई खास सैटरडे संडे को तो भगवान ने फुर्सत से बनाया नहीं कि उनको संडे को बनाया, हमको मंडे को थक करके बनाया, ऐसा तो है नहीं। अगर कोई व्यक्ति कार चला सकता है तो आप भी कार चला सकते हैं, कोई व्यक्ति अपने सपनों की कार चला सकता है तो आप भी अपने सपनों की कार चला सकते हैं। सिर्फ 4 लोगों की अगर आप जिंदगी बदलते हैं, 4 प्लेटिनम, 4 डायरेक्टर, यानी कि 1200 1200 1200 1200 आपने 4 लोगों से करा दिया, यानी 65,000 65,000 65,000 65,000, इतना सा खाली बीवी रुपए का सामान अगर आपने अपनी टीम में परचेस करवा दिया, जो कि खाली आपको नहीं करना, वो 4 लोग भी तो कुछ करेंगे मिलके, एज ए टीम ये सब काम होता है, और आप प्लेटिनम डायरेक्टर बन जाते हो, 4% के बीवी पूल में आ जाते हो, कार फंड जो है वो आपका जमा होने लगता है, जैसे ही कार खरीदते हो कंपनी आपको पैसा देती है, फिर हर महीने आपके चेक में पैसा आता चला जाता है, जैसे जैसे इस महीने आप कार फंड के लिए एलिजिबल होते हो, प्लेटिनम डायरेक्टर मेंटेन करते हो। तो सो इट्स सो अमेजिंग, 4 लोगों की जिंदगी बदल के आप अपनी 4 पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकते हो। तो क्यों हम नहीं करें, क्यों हम आलस करें, क्यों हम दिमाग का आलस रखें, क्यों हम सोचने से परहेज करें? सपने से बंदा डरता है कि मैं सपनों के बारे में सोचूंगा तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अरे अपने सपनों की जिम्मेवारी आप नहीं लोगे तो कौन लेगा? मानव योनि में आए हो, अभी नहीं लोगे तो कब लोगे? अगले जन्म में क्या पता गाय भैंस बकरी बनेंगे तो सिर्फ वो पानी में छपड़ छपड़ करेंगे, पूंछ से मक्खी उड़ाएंगे, जुगाली करेंगे और फिर ऊपर चले जाएंगे। अब जब मानव योनि में आए हैं तो डेफिनेटली कुछ करना तो बनता ही है दोस्तों। फिर हाउस फंड, हम सबका सपना है अच्छे से अच्छा घर हो, और घर खरीदना आसान नहीं रह गया है, कितने करोड़ों घर आसपास बन रहे हैं पर हर घर महंगा ही है। और एक बात बता दूं, जब पसंद का घर लेने खरीद खड़े होते हो ना, वो तो हर हाल में आपकी जेब से भारी ही होता है। तो क्या हो कि इस पार्ट टाइम बिजनेस को करके आप हाउस बोनस कमा करके वो जो एक कॉम्प्रोमाइज वाला घर खरीदते उसकी बजाय अपना अपने सपनों का घर खरीद सको। आप 6 लोगों की जिंदगी बदल करके, सिर्फ 6 लोगों से वो 1200 1200 1200 PV करवा के आप 2% के बीवी पूल में शामिल हो सकते हो और हाउस बोनस कमा सकते हो। तो मैंने क्या बताया, 6 लोगों की जिंदगी बदल के आपको बाइक, मतलब सब कुछ मिल जाता है, आपको यहाँ कार भी मिल रही है, आपको फॉरेन ट्रिप भी मिल रही है, आपको घर भी मिल रहा है, तो क्यों नहीं करने का? और दोस्तों जब आप 6 लोगों की जिंदगी बदल देते हो ना, तब तो आपको जो पहले 3 लोगों की जिंदगी बदली थी तो जो ट्रिप मिली थी वो मलेशिया थाईलैंड दुबई वुबई थी, जैसे ही आप 6 लोगों की जिंदगी बदल देते हो उसके बाद तो आपका यूरोपियन यूरोपियन ट्रिप शुरू हो जाता है, आपका एशिया से बाहर का ट्रिप शुरू हो जाता है। हमने लंदन, स्कॉटलैंड, वेनिस, पेरिस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, USA सब घूमा है।
हमें कंपनी ने वेनिस में खीर खिलाई है, हमने जुंगफ्राओ स्विट्जरलैंड का जो टॉप है, यूरोप का जो टॉप है ना, वहां पे पूरी और अमृत खाया है। इतना अच्छी ये ट्रिप्स होती हैं, और ये 5 रात 6 दिन की ट्रिप होती है, 6 लोगों की जिंदगी बदलती मिलने लगती है। तो भैया क्यों आप अपनी बीवी को हनीमून पे नहीं ले जा सकते? क्यों एक ही हनीमून पे लेकर के गए तो भला, नहीं लेके गए तो भला? क्यों हम हर साल अपने अपने को, चाहे आप हस्बैंड हो तो वाइफ को लेके जाओ, वाइफ हो तो हस्बैंड को लेके जाओ, कहाँ जरूरी है कि हस्बैंड ही आपको भी हनीमून पे लेके जाए? हर साल एक हनीमून बनना चाहिए, और उसके लिए आपको 6 ही लोगों की तो जिंदगी बदलनी है, तो 6 लोगों की जिंदगी बदलने को तैयार हो जाओ दोस्तों। और फिर मिलता है लीडरशिप बोनस, जिनको आपने वो 1200 PV कराया ना, उन लोगों को डेवलप करो, मदद करो हमारी मदद से। वो अगर 3600 PV उनकी टीम में हो जाता है एक डायरेक्टर के साथ, तो दोस्तों आपको 15% के बीवी पूल में एंट्री मिल जाती है। लीडरशिप बनाने का पैसा, ये पैसा बड़ा अंग लगता है और बड़ा दिल को सुकून देता है। लीडर बनना हर व्यक्ति का सपना होता है, आप भी सोच करके देखोगे ना, ढंग से शांति से बैठोगे तो कहोगे हाँ मैं लीडर बनना चाहता हूँ। और ये लीडर बनना ना कोई 8 पैक ऐप बनाने जैसा मुश्किल नहीं है, ये हर किसी के बस की बात है, सिर्फ वो फैसला करना होता है। तो जब आप किसी को लीडरशिप रोल में डेवलप करते हो, आप बड़े लीडर बनते हो, आपको 15% का बीवी पूल जो है वो आपके लिए खुल जाता है। फिर आगे और बड़े बड़े लेवल अचीव करते हो, वही 6 लेगों को डेवलप करते जाओ करते जाओ। हमें तो किसी और का सोचना नहीं है, 6 लेग 6 लेग 6 लेग 6 लेग, और आप देखते जाओ 0.7% का ब्लैक बोनस, ब्लैक डायमंड बोनस खुल जाता है। आप और आगे बढ़ते हो तो 0.3% का रेड डायमंड बोनस खुल जाता है। और इसी तरीके से दोस्तों एक तरफ पैसा कमाते हो, दूसरी तरफ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस आपको मिलती है, यानी कि क्योंकि दूसरों को मदद करके आप पैसा कमाते हो, आपको वो महत्ता की जिंदगी मिलती है, लोग आपको थैंक यू बोलते हैं, नोबल बिजनेस है, बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों देखो, अमृत पीकर हम में से कोई नहीं आया, हम में से किसी की नौकरी बिजनेस अमर नहीं थी। हम क्यों एक बास्केट में अपने सारे के सारे अंडे रखे? क्यों हम एक साथ भले जो भी जॉब जो भी बिजनेस कर रहे हैं, क्यों नहीं उसके साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस को शुरू करें? ये अपने आप में एक समझदारी की बात है, और खास करके तब जब सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर आपकी पूरी मदद करने को तैयार है, आपके अपलाइन में बहुत सारे लोग हैं जो आपको पूरी मदद करने को तैयार है, आपको कभी भी अकेला नहीं महसूस होगा। जो करेंगे मिलकर के करेंगे, हम ना कोच की तरह बाहर नहीं बैठेंगे कि जी ये करो वो करो ऐसे खेलो वैसे खेलो, हम कैप्टन की तरह आपके साथ दौड़ेंगे भागेंगे काम करेंगे। तो आप जो है हर हाल में सफलता आपके हाथ लगेगी, और करना बस यही है कि शुरुआत करनी है। समीर जी हमारे हमेशा कहते हैं कि अगर आप 1 कदम चलोगे तो मैं 2 कदम चलूंगा, पर दोस्तों पहला कदम तो हमें ही चलना पड़ेगा। मंजिल कितनी भी दूर हो, कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी बड़ी हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं, पर ये मिलते सिर्फ उन्हीं को हैं जो पहला कदम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वो प्रेजेंटेशन जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, और मैं अब खाली बातें ही नहीं कर रही, मैं आपको 2 तो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगी, और फिर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों से मिलाऊंगी जो आप ही के जैसे हैं बिल्कुल, पर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को काम में लेकर के बहुत तेजी से सफलता पाते चले जा रहे हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम रजनी जी को बुलाना चाहेंगे। रजनी अग्रवाल जी प्लीज आप अपनी अपना वीडियो ऑन कीजिए। रजनी जी ओवर टू यू। थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रजनी अग्रवाल, मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मैं आज आपको अपने मोदी केयर के ये व्हाइट पर्ल शॉप पर डेमो दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए मैंने सिम्बोलिक डेमो है, 2 बॉडी लिए हैं, इसमें पानी लिया है, एक में इसको मैं बॉडी गंदा कर रही हूँ। जैसे कि हम नहाते किस लिए हैं कि हमारे शरीर से पसीने की बदबू आती है, धूल मिट्टी के कण लगे होते हैं, तो हम उसको साफ करने के लिए नहाते हैं। तो इसीलिए मैंने इस पानी में आयोडीन का सॉल्यूशन मिलाया है। अब एक में मैं ये मार्केट का प्रीमियम सोप डाल रही हूँ और एक में अपने मोदी केयर का व्हाइट पर्ल सोप डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब तक ये अपना काम करता है मैं इसके बारे में बताती हूँ। हमारी जो मोदी केयर की व्हाइट पर्ल सोप है, ये 3 तरह से हमें प्रोटेक्ट करती है, मॉइस्चराइजर करती है एंड डिओड्रेंट का भी काम करती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी साबुन में सोप ने कितनी जल्दी अपना काम कर लिया। मार्केट का सोप ऐसा ही है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मार्केट का सोप गलता बहुत जल्दी है। ये देखिए मेरे हाथों पे भी आ गया है, और मैं अपना ये मोदी केयर का सोप जो है ये निकाल के दिखाती हूँ आपको, इसे हाथों पे बिल्कुल नहीं आया। थैंक यू मैडम। वाओ क्या बात है दोस्तों, देखा आपने कितनी खूबसूरती से, खूबसूरत सा डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो किया है हमारी। जस्ट अ मिनट, बहुत बढ़िया। आइए एक और डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं रजनी जी के डेमो के बाद। रूपाली जी को मैं स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी। रूपाली जी ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग, मेरा नाम रूपाली पनवल है और मैं बाय प्रोफेशन ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आपको मोदी केयर का डीओ का डेमो दिखाने जा रही हूँ। तो ये अपना मोदी केयर का डेमो डीओ है और ये मार्केट का। तो ये जो मैंने
ये बनाए हैं, आप समझो कि ये स्किन स्किन है अपनी, और मैं अभी मार्केट का डीओ मार रही हूँ, और ये अपना मोदी केयर का डीओ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि जो मार्केट का डीओ है वो पूरा स्प्रेड हो गया है और पूरा गीला गीला है, जैसे कि ये अल्कोहल बेस होता है और अपना जो मोदी केयर का जो डीओ है वो वाटर बेस होता है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होते हैं, और मार्केट के इसमें केमिकल होते हैं, वो थ्री लेयर्स अपने बॉडी में स्किन में एब्जॉर्ब होता है और अपने को स्किन में ईचिंग रैशेस वगैरह आते हैं, अपने ड्रेसेस वगैरह होते हैं न्यू, उसका कलर फेड होता है। तो इसके लिए जैसे कि हम मोदी केयर का डीओ इस्तेमाल करेंगे तो हम हमेशा हंसते रहेंगे और इसमें से अपने सपने भी पूरे होंगे, और मार्केट का डीओ यूज करेंगे तो हम रोते रहेंगे। थैंक यू मैम। क्या बात है, कितनी खूबसूरती।